माइनिंग को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गया है। अवैध माइनिंग को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयास कामयाब हो रहे हैं, जिससे पिछले कुछ समय में अवैध माइनिंग में काफी गिरावट आई है और सरकार का राजस्व भी बढ़ा है। साथ ही अवैध रूप से पत्थरों का भंडारण एवं प्रशिक्षण करने वाले माफियाओं के क्रशर को भी सील कर दिया गया है। वहीं डीसी राहुल हुड्डा ने अवैध माइनिंग के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए जिले में 5 जगहों पर नाके लगाए गए हैं, जहां पर अलग अलग विभागों की क्रॉस टीम लगाई गई है, जिससे पिछले कुछ समय में अवैध माइनिंग में काफी गिरावट आई है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार का राजस्व भी बढ़ा है। उन्होंने बताया है कि जुलाई में रॉयल्टी के 4 करोड़ सरकार के राजस्व में गए, इसी प्रकार से अगस्त में 2 करोड़ और सितंबर में 7 करोड़ 75 लाख सरकार के राजस्व में गए। वहीं यमुना की जलधारा को अवैध खनन के लिए डाइवर्ट करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारे यमुनानगर में जो है माइनिंग की जाती है, तो उसके बारे में हम इस बारे में काफ़ी सचेत हैं कि इलीगल माइनिंग ना हो। इसके एक्शन के स्वरूप हमने जो है शहर में विभिन्न जगहों पर, जिले में 5 जगहों पर नाके लगाए गए, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट लोगों की क्रॉस टीम जो है हमने वहाँ पर नियुक्त की थी। उससे जो है माइनिंग में, इलीगल माइनिंग में काफ़ी गिरावट आई है। उसका नतीजा इसी बात पे, इसका जो प्रिमाइस है वो इसी चीज़ पे कि हमारा जो रेवेन्यू है जो है वो बढ़ गया है। जुलाई के महीने में रेवेन्यू हमें मिला था लगभग 4 करोड़ रुपए, सरकार को जो रॉयल्टी फीस जाती है। अगस्त के महीने में रकम थी 2 करोड़ रुपए, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सितंबर के महीने में रकम जो बढ़कर हो गई है 7 करोड़ 75 लाख रुपये हमारा रॉयल्टी जो है सरकार को इससे मिली है। इसके अलावा हमने अपनी गश्त भी वहाँ पर बढ़ाई है, और हमने जहाँ पर भी जैसे ही कोई रिपोर्ट हमें मिलती है कि कोई इलीगल माइनिंग कहीं पे हो रही है, तुरंत जो टीम वहाँ पे जाके आवश्यक कार्रवाई भी करती है। सर, बताऊँगा कि अभी जो हमारे नए जो माइनिंग ऑफिसर आए हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने पिछले महीने में बहुत सारी FIR भी दर्ज की है, और डेफिनेटली जो है कार्रवाई हुई है। मेरे पास भी जब भी कोई रिपोर्ट आती है, चाहे किसी भी सूत्र से आए, तुरंत जो है माइनिंग ऑफिसर को अपनी टीम के साथ वहाँ पर भेजा जाता है। और अगर ऐसी कोई भी सूचना आपको भी मिले, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मुझे भी बताएं, और तुरंत जो है हम उस पर एक्शन लेते हैं और आगे भी लिया जाएगा। सर, आप बताइए, उसके तहत जो है तुरंत मैं संज्ञान लेते हुए माइनिंग ऑफिसर को डायरेक्ट करूँगा कि वो वहाँ जाए और मुझे विस्तृत रिपोर्ट इसके बारे में सौंपे कि यहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है जटला, स्पेशली जटला। अपनी तरफ से तो डेफिनेटली कोई किसी भी नदी का अप्राकृतिक रूप से बहाव नहीं मुड़ना चाहिए, और इसी को लेके हम सचेत भी हैं, क्योंकि अगर बहाव मुड़ेगा तो पब्लिक में भी जो है नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि जब से मैं आया हूँ और एक जो हमारे नए माइनिंग ऑफिसर आए हैं, हम इस चीज़ को लेके काफ़ी सचेत हैं, और रेगुलरली पेट्रोलिंग भी की जा रही है, और डिफरेंट स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि इस चीज़ की कम से कम समस्याएँ जो आएँ और कम से कम शिकायतें। बहरहाल, अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक अवैध खनन को पूरी तरह से रोक पाता है। फिलहाल अभी तक अवैध खनन को रोकने की जितनी भी कोशिश की गई है, उसमें से कई मामलों में काफी हद तक सफलता मिली है। यमुनानगर से सुमित उबराय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।